हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सलवार सूट कटिंग स्टिचिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टोटल यहाँ पर 4 फोल्डिंग करके ले लिया है और इसका लंबाई लेना है। इसका लंबाई है 38 इंच। तो उसके बाद देखिए, मोहरी का साइड की तरफ से फोल्डिंग करके सिलाई करने के लिए यहाँ से 3 इंच तक यहाँ पर एक निशाना लगाऊंगी। फिर देखिए, यहाँ से इसका लंबाई लेना है। यहाँ पर देखिए, इसका लंबाई लिया है 38 इंच तक इसका लंबाई लिया है। फिर यहाँ से सिलाई के लिए 1/2 इंच तक इस तरीके से देना है। देखिए, तो कमर का बेल हम यहाँ से काट नहीं करूँगी, जो साइड से फैब्रिक बचा है उसी में से हम काट करूँगे। कमर का बेल हम 6 इंच तक, नहीं तो 6.5 इंच तक रखूँगी। और यहाँ से देखिए, हम 8.5 इंच तक रखूँगे। देखिए, यहाँ से 8.5 इंच तक रखूँगी। और यहाँ से देखिए, इसको शेप लगाने के लिए यहाँ से 1.5 इंच, नहीं तो 2 इंच रखना है। यहाँ से मैं 2 इंच तक रखूँगी, चाहे तो आप इसमें 1.5 इंच तक भी दे सकती हो। और यहाँ से इस तरीके से हम इस शेप को मिलाऊँगी। फिर यहाँ से मोहरी के लिए लेना है, तो यहाँ से देखिए, लूजिंग के साथ मैं एक्स्ट्रा यहाँ से 8 इंच तक रखूँगी। तो अभी देखिए, यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। देखिए, इसमें थोड़ा आइडिया लगाना होता है और ये इस तरीके से मिलाना है। देखिए, उसके बाद काट करूँगी कमर का बेल। तो ये देखिए, यहाँ से कमर का बेल काट करूँगी। तो कमर का बेल होगा यहाँ पर, देखिए 5.5 इंच तक होगा। और एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्डिंग करने के लिए यहाँ पर 1.5 इंच तक फोल्डिंग होगा। तो यहाँ से मैं टोटल 7 इंच का रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए, कमर का मेजरमेंट है 38 इंच। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फेब्रिक के साथ यहाँ पर 2 इंच तक लूजिंग रखूँगी। तो मैं यहाँ से 14 इंच का कमर का लूजिंग रखूँगी। देखिए, उसके बाद देखिए, यहाँ से डोरी के लिए हम काट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 1 इंच का टोटल रखकर काट करूँगी। ये देखिए, काटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। उसके बाद हम सिलाई कर लूँगी। इसको सिलाई किस तरीके से करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो कमर का बेल है इसको एक साइड की तरफ से पूरा ही सिलाई करूँगी। और दूसरा साइड की तरफ से देखिए, डोरी के लिए हम 2 इंच तक, 2.5 इंच तक इस तरीके से छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखिए, एक साइड को मैंने पूरा ही सिलाई किया है। और यहाँ से देखिए, इस तरीके से फिर से हम घुमाकर यहाँ से सिलाई करूँगी। इस साइड की तरफ से हम डोरी के लिए ओपन रखना है। कमर का बेल्ट सिलाई करने के बाद अभी देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से देखिए, दोनों साइड की तरफ से यहाँ पर सिलाई होगा।
अभी देखिए दोनों साइड को इस तरीके से सिलाई करने के बाद अब यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी। तो प्लेट कैसे डालना है देखिए, जो हम कमर का बेल को सिलाई किया है इसको देखिए, जहाँ से हमें अभी यहाँ पर दोनों साइड को ज्वाइन किया है, इस ज्वाइन को बराबर रखते हुए यहाँ पर प्लेट को डालना है। ये देखिए दोनों ज्वाइन को इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिला कर लेना है। और यहाँ से जहाँ से हम ज्वाइन को बराबर मिला कर रखना है उसके बाद वहाँ से देखिए हम 3 इंच तक सिलाई नहीं करूँगी, तो 3 इंच के बाद ही हम यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी। दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। सिलाई यहाँ पर बिल्कुल मैंने डबल सिलाई दे दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से हम 1/2 इंच तक फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी देखिए, कमर के बेल के साइड की तरफ से। इस तरीके से 1/2 इंच सिलाई करने के बाद देखिए जहाँ पर हम डोरी लगाना है वहाँ से इस तरीके से देखिए, ये देखिए बिल्कुल जैसे हम कुट्टी में सिलाई करते हैं साइड की तरफ से ठीक उसी तरीके से भी यहाँ भी सिलाई करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए 1/2 इंच तो मैंने यहाँ पर पहले फोल्डिंग करके सिलाई के लिए है, और अभी देखिए यहाँ से और 1 इंच तक हम फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी यहाँ से हम डोरी लगाने के लिए। ये देखिए सिलाई करने के बाद 38 साइज़ के हिसाब से यहाँ पर कमर मिला है। अभी देखिए इसका लंबाई यहाँ से इतना तक यहाँ पर देखिए 38 इंच तक आता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक फैब्रिक ले लिया है साथ, आप इसमें बकरम भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर बिना बकरम से ही सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से फोल्डिंग करके सिलाई करूँगी देखिए। यहाँ पर देखिए मोहरी में आप कोई भी डिजाइन लगा सकते हो, मैं यहाँ पर सिंपल डिजाइन लगाऊँगी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों साइड की तरफ से सिंपल डिजाइन इस तरह से लगाना है। देखिए अब इसको सीधा सिलाई करना है तो सीधा सिलाई कर सकती हो, जैसे कि हाफ इंच का लगभग, जैसे कि 3 फुट का लगभग, इस तरीके से सिलाई को यहाँ पर कर सकती हो। फिर यहाँ से देखिए मोहरी का गियर की तरफ से लेना है 6 इंच तक, और दोनों साइड की तरफ से इस तरीके से मोहरी का गियर के साइड की तरफ से लेकर यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। मिडल का जो ज्वाइन है इसको बिल्कुल बराबर रखकर यहाँ पर सिलाई करना है। दूसरा मोहरी के साइड की तरफ से भी 6 इंच तक बराबर लेकर मैंने यहाँ पर निशाना लगा लिया। अभी देखिए जो मिडल ज्वाइन को बिल्कुल बराबर इस तरीके से लेना है। चाहे तो देखिए आप इसको मिडल से भी बराबर मिलाकर सिलाई कर सकते हो, तो सिलाई करने से पहले मिडल बराबर मिलाकर दोनों साइड की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने डबल सिलाई कर दिया है, और ये देखिए ये ज्वाइन को बिल्कुल बराबर रखना है, जो मिडल ज्वाइन है इस तरीके से रखना है। और इस तरीके से नहीं रखने से आप पहनने के बाद ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगेगा, तो इसलिए मिडल बराबर को बिल्कुल मिलाकर सिलाई करना है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई पूरा पूरी कम्प्लीट हो चुका है। सलवार सूट सिलाई करना बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पर मैंने कटिंग एंड स्टिचिंग पूरा पूरी कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। थैंक यू।